हम निकल गए दोबारा से, तो हर जगह मिलने वाला ही मिलने वाला, तो ये कंफर्म कर लेना। अदरवाइज क्या होता है कि इसके चार्जेस होते हैं 1 घंटा 2 घंटा, वो समझ फिल्म देखने जब भी मिट, वो होते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक। यहाँ पे शादी कर ली भाई साहब, इनकी बर्थडे आज, हाइट वाइट काफी ज्यादा हाइट अच्छी रहती है, -11 पूरा बर्फ का बना हुआ देख लो, और फीमेल सजाता हूँ तो लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत होते हैं। तो भाई साहब हम निकल गए दोबारा से थाईलैंड को एक्सप्लोर करने, और को नहीं नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करने, हाँ नाइट लाइफ को पटाया कि जैसे अगर आपने लास्ट रॉक देखा होगा, और यहाँ ऑलवेज ऐसे क्राउड रहता है भाई, ऐसी बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं, मेन स्ट्रीट और कुछ वॉकिंग स्ट्रीट के कुछ क्लब हमारे रह गए थे अधूरे, वो करने चलते हैं कवर। ये माहौल तो आपको हर जगह मिलने वाला ही मिलने वाला, आप अपना एंजॉय करो फुल ऑन, बहुत सारे ऐसे ऐसे क्लब्स हैं यहाँ। अभी बीच को एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे वॉकिंग स्ट्रीट की तरफ, और वैसे सब मूड था मसाज के लिए, पर मसाज के लिए क्या है भैया, अभी तो कई सारे पार्लर बंद दिख रहे हैं भाई, और यहाँ बीच का नज़ारा कुछ इस तरह का है। यहाँ अभी ना ये बीच बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, तो काफ़ी बढ़िया हो गया है। और यहाँ बीच के आसपास मैं आपको फैक्ट बताऊँ तो आपको यहाँ पे गर्मा गर्म माहौल मिल जाएगा। आप देखोगे ना यहाँ पे जितनी भी लड़की हैं ये समझो सब गपा गप का है, तो आपके पास रूम है गेस्ट फ्रेंडली। गेस्ट फ्रेंडली क्या होता है भैया कि अगर आप ये सब कर रहे हैं, अगर थाईलैंड आ रहे हो, जैसी बात है यार, आप आओगे पटाया और अगर ये सब कुछ कर रहे हो मूड बनाओगे तो पता कर लेना भैया चार्जेस है या नहीं है, तो ये कंफर्म कर लेना। अदरवाइज़ क्या होता है कि इसके चार्जेस होते हैं। दूसरा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आप जिसको भी लेके जाने वाले हो अपने साथ उनका आईडी कार्ड होता है, तो वो प्लीज़ कंफर्म कर लेना इनके पास आईडी कार्ड हो। इवन क्या होता है जब आप कभी भी किसी को लेके जाते हो रूम के अंदर, ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन वाली बातें बता रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे ज़्यादा पटाया होगा जैसे सारी चीज़ें तो करने वाले ही हो, तो वो आईडी कार्ड जमा होता है रिसेप्शन पे, और वो तब वो आपके साथ ऊपर जाता है, वो आपके लिए भी सेफ्टी रहती है, क्योंकि जब वापसी आते हैं तो आईडी कार्ड देने से पहले कंफर्म करते हैं रूम में कॉल करके कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चोरी चिकारी, कोई सामान सुमून इधर उधर तो नहीं हुआ, तो इस चीज़ों का खास ध्यान रखेगा, क्योंकि यहाँ पे है सब कुछ लीगल, सरकार ने सबको आईडी कार्ड दे रखे हैं। बाकी तो चलते फिरते आपको सामान सारी जगह मिल जाएगा, लॉन्डो के चक्कर मत पड़ना। और यहाँ पे दो तरह के मसाज पार्लर, एक मसाज पार्लर है हनी मसाज पार्लर, आपने बहुत सुना होगा पटाया के अंदर हनी मसाज हनी मसाज हनी मसाज, वो क्या होता है भाई, वहाँ पे लड़कियों को शोरूम की तरह लगाया होता है, तो यहाँ पे चीज़ें महंगी हैं भाई। और अगर आप दूसरे तरह से चाहते हो भैया मैं खुद से पर्सनली जाऊँ और घूमूं फिरूँ, और तो उसके लिए भैया ये जो बीच स्ट्रीट है जो पूरी 1.5-2 किलोमीटर से शुरू हो गए वहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट है, वॉकिंग स्ट्रीट तक आपको सामान ही सामान मिलता है, आप बात करो जैसे भी जो बात करनी है, 1 घंटा 2 घंटा, वो समझ फिल्म देखिए जब भी मिनट घंटे के हिसाब से, घंटों के हिसाब से भी, और डे के हिसाब से, नाइट के हिसाब से, जो आपको समझ आता है और ले जाओ। सर बहुत सारे लोग आते हैं ना तो कई बार फंस भी जाते हैं ट्रैप में, क्योंकि यहाँ पे जो शीमेल होते हैं वो होते हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे पहले तो वो आदमी होते हैं, पता ही नहीं चलेगा आपको, सबसे ज़्यादा हॉट आपको वही दिखने वाले हैं, सबसे ज़्यादा आपको मेकअप की बात करें वैसे बात करें सेक्सी वही दिखने वाले हैं, तो उनसे बच के रहिएगा। और आपको वॉक करते हुए पार्किंग स्ट्रीट की तरफ चलेंगे, बहुत सारे लोग दिखेंगे, एक आइडिया दूंगा कि किस तरह से भीड़ लगी रहती है यहाँ पे, उसके बाद फिर आप अपने ऊपर आप आओ तो आप अपने हिसाब से देख लेना। बड़ी बड़ी लाइटें लगा दी है, काफ़ी बड़ा बीच कर दिया है, यहाँ इन्जॉय करो, लोग आते हैं यहाँ चिल करते हैं, दारू दूरू लेके आनी है लेके आओ, खाओ पियो इन्जॉय करो, बढ़िया यार। जब क्राउड होता है ना एक्चुअल क्राउड होता है, अभी क्राउड इतना है नहीं, तो यहाँ इतनी भीड़ होती है आप सोच भी नहीं सकते, यहाँ खाने पीने का मैकडी KFC बर्गर किंग ये वो सब कुछ लाइन से मिलेगा आपको, आप कहीं भी बैठ के एंजॉय कर सकते हो, दारू वारू पी सकते हो भाई साहब, दारू पीने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जितने 7-Eleven है जितनी दुकानें है सारी जगह आपको ड्रिंक्स मिल जाएंगे इजीली, आप कहीं भी इंजॉय कर सकते हो। और साथ में अगर आप चाहते हो किसी को लेके जाना है इंजॉय करना है तो आपको उसका बेयर करना पड़ेगा, यानी उसको पिलानी लानी पड़ेगी, आपके साथ खुलेगी घूमेगी फिलेगी इंजॉय करेगी। अगर आपको मतलब एक दिन की गर्लफ्रेंड बनानी है तो भैया वो भी फ्री में बनती है, मतलब आप उसको बस अपने साथ ले लो खिलाओ पिलाओ, वो पैसे भी नहीं मांगेगी, और पैसे मांगेगी इस चीज़ की वो जो होता है जो समझ रहे हो ना। बहुत सारे इंडियंस जो हैं जो यहाँ वर्किंग करते हैं उन लोगों ने यहाँ पे लोकल लड़कियाँ पढ़ा रखी, और हमें तो कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने यहाँ पे शादी कर ली यहाँ पे, तो ये जो काम करते हैं ना ये लड़कियाँ दूसरी होती हैं, और वो जो नॉर्मली, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल लड़कियाँ भी होती हैं, ये मत सोचना कि यहाँ पे कोई लड़की भी दिखेगी भैया वही है, वो नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, नॉर्मली आपको अच्छी लड़की अच्छे घर की मिलेंगी। आपको थोड़ा और वॉक करते हुए दिखाते हैं यहाँ का माहौल, यहाँ का क्राउड। 1000 baht ये बर्थडे, वाह ये हैप्पी बर्थडे भाई साहब, इनकी बर्थडे आज, तो कुछ ऐसी ऐसी मिलती है वो तेरी कहना। ये शीमेल है, ये शीमेल है सारे, थोड़ी थोड़ी देर में टूरिज्म पुलिस है वो भी चक्कर मारती रहती है कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो, लूट बजाई, क्योंकि कई बार होता है कि ये लोग बदतमीजी भी करते हैं और गलत काम भी होते हैं। इवन यहाँ के भी आपको वॉकिंग स्ट्रीट लेके जाने वाला हूँ, पूरी वॉकिंग स्ट्रीट पे हर मेरे ख्याल से 100-100 मीटर की दूरी पे पुलिस वाले वहाँ पे बैठे हुए मिलेंगे। ये शीमेल होते हैं, और शीमेल के साइज और हाइट वाइट काफ़ी ज़्यादा हाइट अच्छी रहती है, वो सुंदर भी होते हैं नो डाउट। जो समझ आए जिस हिसाब से समझ आए भाई साहब, हम आपको दिखा रहे हैं कि पटाया का जो माहौल रहता है ना टिल रात के 4-5 बजे तक, जब तक सुबह नहीं होती तब तक का माहौल है ना,
ऐसा ही रहता है, गर्मा गर्म फुल ऑन गर्मा गर्म। और खासकर मैं बताऊंगा ये 18 प्लस वाले ही लोग वीडियो देखें, छोटी उम्र वाले मत देखें भाई, जो देखते हैं भैया उनके लिए सॉरी है। सामने तरफ करके तो हम कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। यहाँ लाइन से ना ज़्यादातर आगे तक से यहाँ से वहाँ तक सारे शीमेल ही खड़े हैं भाई साहब, और शीमेल सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं ये भी बता दूँ। और स्कैम में बिल्कुल मत फंस जाना, बाद में आपको रूम में जाके पता चलेगा वो शीमेल निकले, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा तंग करने वाले, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग भी वही होते हैं भाई, दारू भी बहुत पीते हैं भाई, आपको दारू पिलाने में लुटवा देंगे। आपको वॉकिंग स्ट्रीट लेके चल रहे हैं, वॉकिंग स्ट्रीट दिखाते हैं, बाकी तो माहौल आपको दिखाई दिया किस तरह का, पूरा लाइटिंग हो रखी है, फुल ऑन क्राउड है यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा ही। भाई बारिश आने लगी है, यहाँ बारिश का पता नहीं चलता कब बारिश हो जाए। तो भैया फाइनली पहुँच चुके हैं हम वॉकिंग स्ट्रीट पे। क्लब तो यहाँ बहुत सारे और सब जगह ही एंट्री फ्री है। माहौल दिखाते हैं आपको, तो कितना ही खूबसूरत लिखा हुआ वॉकिंग स्ट्रीट, और यहाँ पे आपको जगह जगह हर थोड़ी देर पे पुलिस वालों की गाड़ी नज़र आ जाएगी। तो भाई साहब माहौल बहुत ज़बरदस्त रहता है यहाँ पर। नो कैमरा नो वीडियो, ओके। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है, कुछ लोगों को ये ऑब्जेक्शन नहीं है। इस वक्त ना सीज़न इतनी भीड़ है नहीं, अदरवाइज तो इतनी भीड़ होती है पूछो मत। इस तरह से ओपन बार भी है, बस आपको करना है क्या, सिर्फ एक बियर लेनी है और इन्जॉय करना है, दैट्स इट। कुछ क्लब्स ऐसे हैं जिसमें पोल डांस होता है और न्यूड डांस होता है, वहाँ पर शूटिंग करना बिल्कुल अलाउ नहीं है। और कुछ ऐसे डिस्कोज हैं जहाँ मैंने आपको दिखाए थे जो कि इंडियंस के हैं और हिंदी गाने ही चलते हैं, और रशियन क्लब्स भी हैं, बार भी है जहाँ पोल डांस होते हैं यार। मुजरा क्लब भी है यहाँ पे बहुत सारे, -11 है इसके अंदर भाई साहब। ये भी कोई वो है रेस्टोरेंट बार सा है, यहाँ बैठ के आप चिल कर सकते हो। -11 पूरा बर्फ का बना हुआ है यार। तो इस तरह का माहौल रहता है यहाँ पे, टोटली अडल्ट स्ट्रीट है आपको बता दूँ, बच्चे ना ही देखे तो ज़्यादा बेटर है। और ये देखो शीमेल, इनके साइज देखो, हाइट देखो, आप लोग भी डर जाओगे। 99 बाट में बियर मिलेगी और इन्जॉय कर सकते हो, बैठ सकते हो। और मुजरा क्लब ऊपर है भैया, यहाँ कुछ क्लब में फ्री एंट्री है, जैसे भाई इनकी ना कमीशन होती है। यहाँ पे छोटे छोटे होटल्स भी हैं भाई साहब, अंदर का तो दिख नहीं सकता, इन्होंने स्क्रीन लगा रखी है, एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का हिसाब रहता है। और यहाँ सारे लाइन से शीमेल्स है सारे, देख लो। और शीमेल्स बताऊँ तो लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। यहाँ पे क्लब है और ज़्यादा भीड़ नहीं है इसमें भाई। M4 का प्लेयर आ गया, पबजी गन्स है, शॉट्स लेने हो तो बढ़िया है, लगती ओरिजिनल है पर चलते चल रहे हैं। मज़ेदार माहौल है, यहाँ भी कोई क्लब है, पब्लिक क्लब यहाँ पे भाई साहब क्रेजी ये। और यहाँ ना ये सिस्टम है, ये बाइक और उस पर चलती फलती मार्केट रहती है। भूख लगी बहुत ज़्यादा, अरे यार फिर कल भी हम खाने लगे थे शोरमा, पुलिस वाले आए और भाग गया, और ये फिर भाग गया भाई, वहाँ चलते हैं, वो आगे क्या कर रहा है। तो खाते हैं चिकन शोरमा, ये पड़ रहा है 60 बाट का अराउंड होता है, लगभग 135-140 रुपए का, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी रहती है चिकन विकन की, बढ़िया होता है, बढ़िया टेस्टी रहता है यार। और भैया वापसी से स्ट्रीट से होते हुए जा रहे हैं वापसी, यार रात का माहौल है, यहाँ पे माहौल ऑलवेज गर्म रहता है, यानी आपको हमेशा कोई ना कोई यहाँ पे मिलेगा आपको। पटाया जिस चीज़ के लिए मशहूर है वो तो है ही, नो डाउट। बाकी वाला ये है कि भैया इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कुछ भी पूछना कुछ भी बात करनी आप कर सकते हो। भाई साहब हमारा मकसद यही है आप लोगों को दिखाने का, भैया पटाया में ये सब कुछ होता है। तो बस इतनी सी बात है, नाइट लाइफ के लिए, क्लब्स के लिए, किन किन चीज़ों के लिए पटाया मशहूर है वो आपको बता रहे हैं। हाँ मसाज के लिए जहाँ तक बात है, मसाज बहुत बढ़िया होती है, थाई मसाज वो हम कल कराएंगे। आज की वीडियो को इतना रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो ये लाइक मारते रहना, ज़्यादा अच्छी लगी शेयर करना, कुछ भी पूछना हो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, बाय 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 बाय।